यस रेज योर हैंड, जीरो कितने लोगों को लग रहा है? बेटा जीरो इज इनकरेक्ट। जब भी किसी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करते हैं आंसर इज डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। सो मींस रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। बच्चे ट्रू तो है ही है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? बेटा देखिए, व्हेन यू डिवाइड ए बाय बी, सो लेट द आंसर इज सी। उनका असम उनका आंसर रेशन नंबर आता है। सर हाँ जी बेटा, वन बाय वन सारे बच्चे बोलोगे तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। जो बच्चे कम टू द माइक कैन टेल मी। बोलिए बेटा, फ्रंट बेंच पे ए सेक्शन ए, क्या डाउट्स हैं आपके? नो डाउट। डाउट। सेक्शन बी से किसी बच्चे को कोई डाउट? एंड प्लीज स्टॉप द मूवमेंट इन सेक्शन बी। आई कैन सी देर इज लॉट ऑफ मूवमेंट गोइंग ऑन, राइट बच्चों? सो देखिए So जो no, we रेड, are not हाँ जी बेटा, जब मैं बोलने लग रहा हूँ। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं बेटा आप? सेक्शन बी से फ्रंट बेंच व्हाइट शर्ट। डाउट। सर नो डाउट है सर। अच्छा जी, सो बेटा जब आप डिवाइड करते हो रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से, तो आंसर जो होता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज रेशनल नंबर आए। सो दे आर नॉट क्लोज, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट का एक्सप्लेन नहीं कर एक्स्ट्रा रही। है। तो आंसर कौन सा होगा बेटा ऑप्शन बी ये? राइट। सो यस। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, हमारे पास एक क्रॉसवर्ड है। आपके पास सबके पास असाइनमेंट है बेटा? तुम यस कीजिए असाइनमेंट जी। Can you see this crossword? ये crossword आ रहा है नजर बेटा आपको? Is it clear? Right or wrong? Worksheet, इट जो पुरानी वर्कशीट थी लास्ट टाइम की, वो वाली वर्कशीट कहाँ है बच्चों आपकी? लास्ट टाइम आपको एक वर्कशीट मिली थी बच्चों? मिली है उसमें ये नहीं है। मैम, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्रॉसवर्ड है, ये हमारी लास्ट असाइनमेंट में था। लास्ट असाइनमेंट में टाइम ओवर हो गया था तो हम इसको कवर नहीं कर पाए। सर लास्ट वाली में नहीं है, इसमें प्रेजेंट वाली में भी नहीं है। ओके राइट, नो प्रॉब्लम बच्चों। चलिए देन, सर दिस क्वेश्चन इज अ न्यू असाइनमेंट। न्यू असाइनमेंट में है, चलिए यस ओपन कीजिए फिर, सबको मिली है बेटा। सर नो सर न्यू असाइनमेंट में नहीं है ऐसे कैसे हो सकता है बच्चे, एक सेक्शन के पास है दूसरे में नहीं है। सर ए सेक्शन के पास भी है, मैम को पकड़ा गया है थी। चलिए बेटा ठीक है, फिर तो और कोई डाउट ही नहीं है फिर तो, राइट। देखिए बच्चों, आप नो डिस्कशन ऑन दिस की है या नहीं है, अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं सीधा। देखिए बेटा, यहाँ पे कुछ हिंट दिए हुए हैं, देर आर सम हिंट। नहीं बोलिए बच्चों, क्या प्रॉब्लम आ रही है? सबके पास है ना? जिनके पास नहीं है बेटा, रेज योर हैंड। डोंट हैव द दिस क्वेश्चन इन द असाइनमेंट, रेज योर हैंड। जिनके पास नहीं है वो साथ वालों से शेयर कर लेंगे, बट नो डिस्टर्बेंस एट ऑल। चलिए जल्दी से आ जाइए बेटा, जिनके पास नहीं है वो शेयर कर ले, एंड नो नो देखिए मैडम दे रहे हैं जी, जिनके पास। मिल ठीक है जी, चलिए आ जाओ जल्दी से, आ जाओ क्वेश्चन पे बेटा। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप अपने उसमें फिल करते रहना बेटा। फर्स्ट इज डाउन, डाउन वन कौन सा है जी? 2/3 एंड -5/4 आर डैश नंबर्स। 2/3 एंड -5/4,
रैशनल नंबर। आपके असाइनमेंट में फिल कर लो बच्चों। डाउन डाउन वन कौन सा है बच्चों, देखिए जरा। डाउन वन बेटा, ये आपका जो डाउन वन है, दिस इज, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे आ जाएगा रैशनल। यस डाउन में जब आपको लेना है तो टॉप टू बॉटम, अक्रॉस में लेफ्ट टू राइट। आ लीजिए सेकंड पे, आ लीजिए डैश। द इनवर्स ऑफ ए बाय बी इज माइनस ए बाय बी। हाँ जी, कौन सा होता एडिटिव। है? एडिटिव। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बाय बी इज माइनस ए बाय बी। एडिटिव, एडिटिव लिखिए जी बेटा डाउन टू में। नाउ कम टू द डाउन थ्री, द एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर इज, यस व्हाट विल बी द आंसर? एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर इज। डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, कितने वर्ड्स का है पहले तो ये देखिए बेटा, कितने वर्ड्स का है चेक करिए जरा। इलेवन। इलेवन वर्ड्स, इलेवन। इलेवन वर्ड्स। यस स्टूडेंट्स, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर इंटीजर एंड रैशनल नंबर इज कॉम्यूटेटिव। यस कॉम्यूटेटिव आ रहा है बच्चे? कितने लेटर का है ये? यस कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव। आ रहा है बेटा, लेटर्स चेक कर लो डाल के उसमें। मैं इसको फ्लिप करूंगा तो सारा चटनी हो पाएगी जरा। कॉम्यूटेटिव के स्पेलिंग होते हैं COMMUTATIVE, कॉम्यूटेटिव। हो गया फिट बेटा? नेक्स्ट पे आ जाएंगे जी। सिंस 1/0 डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस वैल्यू। जीरो हैज नो वैल्यू। हाँ जी, क्या आएगा यहाँ पे? सिंस 1/0 डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस जीरो हैज नो वैल्यू, तो नहीं आएगा बेटा यहाँ पे। वर्ड देखिए कितने हैं, सर नॉट डिफाइंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर नॉट नॉट डिफाइंड। डिफाइंड, सर नॉट नॉट डिफाइंड, 1/0 होना चाहिए, देयरफॉर 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक डिफाइंड। है, फिफ्थ पे आ जाइए बच्चों। द नंबर लाइन एक्सटेंड डैश ऑन बोथ साइड इनफाइनाइटली आएगा। इनफाइनाइटली आ रहा बेटा? इनफाइनाइटली और इनडेफिनेटली, लेटर्स काउंट कर लो दोनों के, जो भी आ रहा है चेक कर लो। इनडेफिनेटली, इनडेफिनेटली आएगा आई थिंक, इसमें चेक कीजिए। इनडेफिनेटली फाइव, देखिए बेटा इसमें अगर हम पुट करते हैं इनफाइनाइटली, इन फाइनाइटली, तो ये आपके दो वर्ड्स बच रहे हैं। इनडेफिनेटली करेंगे तो पूरा हो जाएगा बेटा, राइट? सर योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। दिस सेक्शन रेज योर हैंड। नाउ इट इज ऑडिबल, आई एम ऑडिबल और नॉट नाउ? नॉट। व्हाट इज द इश्यू? एवरीथिंग इज सेम। यस आई एम ऑडिबल नाउ और नॉट?
बच्चे आवाज आ रही तो रेज योर हैंड। आ रही है अभी? सेक्शन बी में तो आ रही है। सेक्शन ए में क्या इशू है? सेक्शन ए में क्या इशू आ रहा है जी? सर पीछे पीछे नहीं आ रही आपकी वॉइस। नहीं आ रही है। प्लीज रेज योर हैंड बच्चों जिनको आवाज नहीं आ रही है। प्लीज आवाज आ रही है तभी तो उसको रेस कर रहे हैं। बेटा अगर आवाज नहीं आ रही तो आपको कैसे पता चला कि हैंड रेस करने हैं? सर योर वॉल्यूम इज टू लो। इज योर स्पीकर मैम वॉल्यूम? आपके स्पीकर की वॉल्यूम कम है, प्लीज उसको थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए। मेरी वॉल्यूम इज फुल है। मैं जो स्टूडियो में भी बोल रहा हूँ ना, तो बाहर तीसरे स्टूडियो में आ रही होगी, इतनी वॉल्यूम है मेरी। वॉल्यूम अच्छा आपकी वॉल्यूम उधर में बी सेक्शन में। बी सेक्शन में सबको आ रही है आवाज? बी सेक्शन यस किसी को नहीं आ रही तो प्लीज रेज योर हैंड बेटा। बी सेक्शन रही है। आ गई है? ओके जी ठीक है। एक और बी वाले काम पर कर दो। डी और ए, एनीवन जिसको आवाज नहीं आ रही प्लीज रेज योर हैंड। नाउ चलो अब सबको आवाज आ रही है जी। ओके बच्चों डाउन फाइव में आएगा इनडेफिनेटली। राइट, इनडेफिनेटली इन डाउन फाइव। सर ठीक है बच्चों आ जाओ नेक्स्ट आ जाइए जी। डाउन सिक्स द डैश ऑफ टू इंटीजर्स मे नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अनदर इंटीजर। यहाँ पे यस डिवीजन, वेरी गुड। नेक्स्ट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए नंबर बाय इट रेसिप्रोकल गिव्स। नंबर यस द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए नंबर बाय इट रेसिप्रोकल गिव्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। यस और नो? और वन वन आ जाएगा बेटा इसमें। बेटा अगर एक नंबर है उसको उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो व्हाट विल बी द आंसर? का वन आंसर है बेटा डाउन में। हाँ जी बच्चों कितने डिजिट का आ रहा है वहां पे, कितने लेटर्स हैं? यस डाउन सेवन में वन आ जाएगा बेटा। सो यस नेक्स्ट आ जाइए जी। अक्रॉस में आ गया हम। डाउन एट रैशनल नंबर ऑन कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए लाइन नंबर लाइन। तो इजी था जी। नेक्स्ट आ जाइए बेटा। अक्रॉस वन देर आर डैश रैशनल नंबर बिटवीन टू इंटीजर्स। देर आर डैश रैशनल नंबर बिटवीन टू इंटीजर्स इनफाइनाइट। राइट, देन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर इज कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव आ रहा है बेटा। एसोसिएटिव आ रहा है फिट। नेक्स्ट आ जाइए। द एडिशन एंड डैश ऑफ टू रैशनल नंबर्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अनदर रैशनल नंबर। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन अक्रॉस फोर में आ जाइए बच्चे। ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सक्लूडिंग जीरो आर नॉन एज। हाँ जी बेटा माइक पे आके बोलेंगे आप? कैन यू कम टू द माइक एंड टेल मी? सर शी इज सेइंग दैट इन थर्ड मल्टीप्लिकेशन इज नॉट देयर। मल्टीप्लीकेशन इज नॉट देयर थर्ड में, देन व्हाट शुड बी देयर? द एडिशन एंड डैश ऑफ टू रैशनल नंबर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अनदर रैशनल नंबर। सब्ट्रैक्शन आ रहा है बेटा? सब्ट्रैक्शन देखिए।
लेटर काउंट कीजिए पहले आप। आ रहा है ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाइए क्रॉस फोर में। ऑल द पॉजिटिव इंटीजर एक्सक्लूडिंग जीरो आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। बेटा जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उसमें से जीरो अगर छोड़ दें तो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ, नेचुरल नंबर और नॉट। एक्सक्यूज मी सर, यस सर इन अक्रॉस 3 वहां पे मल्टीप्लीकेशन नहीं आ रहा बिकॉज वहां पे एडिशन लिखा है, तो फिर वहां पे डी आ रही है बीच में बीच में डी आ रही है सर। अक्रॉस। बेटा सब्ट्रैक्शन भी नहीं आ रहा है, मैं सर नो, चेक करता हूँ जी। देखिए एडिशन, अच्छा अक्रॉस थ्री में, अक्रॉस थ्री थर्ड अक्रॉस थर्ड यहाँ पे तो एडिशन एंड 1 2 3 4 5 6 7, ये सर तो लंबा कुछ है जी, चेक कर लेते हैं। और वहां पे जो सिक्स्थ डाउन वाला है ना उसमें वहां पे एडिशन लिखा है, तो फिर उसकी डी की वजह से ना मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा और सब्ट्रैक्शन भी नहीं आ रहा। D6 में चेक कर लेते हैं, डाउन 6 में द डैश ऑफ टू इंटीजर्स मे लीड डी टू द फॉर्मेशन ऑफ अनदर इंटीजर्स। सर एडिशन था यहाँ पे एडिशन लिखा है हमने, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर्स भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन फिट बैठ रहा है वहां पे बेटा एडिशन की जगह पे। एडिशन की जगह पे डाउन 6 में और मल्टीप्लिकेशन फिर मल्टीप्लाई आ रहा है उसका द मल्टीप्लाई ऑफ टू तो ठीक नहीं बैठता। अच्छा मल्टीप्लाई ऑफ टू इंटीजर्स मल्टीप्लिकेशन होता है बेटा, राइट वर्ड नहीं सर फिर नहीं आएगा। आएगा। चलिए हम अभी दोनों को लीव कर देते हैं ठीक है, बाद में कुछ और कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं। ओके डाउन ओके सर, सो वी कैन लीव अ डाउन 6 6 एंड अक्रॉस अक्रॉस 3 थ्री, अक्रॉस 3 अक्रॉस 4 में क्या आ गया बेटा, नेचुरल नंबर्स आ गया, ये फिट आ रहा है बेटा अक्रॉस 4 में, ये फिट आ रहा है। यस यस सर हाँ जी बोलिए, क्या कह रहे हैं बेटा, मुझे ना आवाज नहीं आ रही आपकी, ये पता चलता है कि कोई बच्चा बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है क्लियर नहीं होता। इज सेइंग दैट जहां पे एडिशन है 6th के डाउन में वहां पे डिवीजन आ सकता है, रीजन 6 के डाउन में क्या लिखा हुआ है वहां पे बच्चे, डाउन डाउन के 6th में डिवीजन। ऑफ टू इंटीजर्स मे लीड टू द फॉर्मेशन। यस डिवीजन आ सकता है बिकॉज मे वर्ड है यहाँ पे, ओके मे है तो वो हो सकता है जी। डिवीजन में वो दूसरा फिट आ रहा है बेटा अक्रॉस वाला, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए बच्चे अक्रॉस 5, फॉर एनी रैशनल नंबर ए ए डिवाइडेड बाय जीरो इज, ए डिवाइड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। आ रहा है बच्चों नॉट डिफाइंड फिट, सर यस और नो। स्टूडेंट्स नॉट डिफाइंड फिट आ गया, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट आ जाइए क्रॉस 6, रेसिप्रोकल इज आल्सो नोन एज मल्टीप्लिकेटिव हाँ जी इनवर्स, बोलिए बेटा। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये अभी कोई स्टूडेंट की आवाज आई थी, वांट टू से समथिंग, सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं ये तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो हो गया, कोई और स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा था बेटा मेरे को लग रहा है। एनी डाउट्स, चलिए हम अब फीड करके देखते हैं सारे ठीक तो है, फिफ्थ के चेक क्रॉस में नॉट डिफाइंड नहीं आ रहा है। कर लेते हैं बच्चे ठीक है। अब आ जाइए मुझे बताते जाइए। हाँ जी बच्चों अब देखिए बेटा थर्ड में क्या फील किया था, डाउन बोलते जाओ जरा, डाउन 1 बेटा प्लीज सिट डाउन, सेक्शन बी व्हाट हैपन टीचर, व्हाट इज द इश्यू हियर।
इन सेक्शन बी व्हाई द किड्स आर मूविंग, राइट। नाउ बेटा डाउन वन में क्या फिल किया है हमने, विल यू स्पीक, एम आई ऑडिबल बच्चों? तो बेटा मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, उसको रिप्लाई कीजिए। फ्रंट बेंच पे जो स्टूडेंट बैठे हैं ना सेक्शन बी में माइक के पास, वो मुझे बताते जाइए बच्चे क्या क्या लिखा है। डाउन वन में हमने क्या प्रिंट किया है सर? फोर्थ ऑफ अक्रॉस इज नॉट डन। बच्चे मैं जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उसको रिप्लाई करेंगे आप? बेटा डाउन वन सर वी आर आस्किंग फॉर व्हाट इज फॉर फोर्थ ऑफ अक्रॉस। बेटा वहां पे आया था नॉट डिफाइंड, अगर नहीं आ रहा तो हम चेक कर लेते ना, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग। अगर सर कोई टू फॉर फोर्थ, बेटा यू आर नॉट गेटिंग माय क्वेश्चन, आई एम सेइंग यू टेल मी व्हाट वी हैव पुट ओके हियर, सर ओके ओके ठीक ओके है? उसके बाद जो नहीं हो रहा उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है? ओके सर। राउंड वन में क्या है पहले ही बताइए। सर रेशनल, रैशनल, क्या इधर रैशनल आ रहा है? नेक्स्ट डाउन टू सर एडिटिव, एडिटिव, नेक्स्ट कॉम्यूटेटिव, कॉम्प्यूटेटिव, नेक्स्ट नॉट डिफाइंड, नेक्स्ट इनडेफिनेटली, इनडेफिनेटली, नेक्स्ट डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन सर डिवीजन, नेक्स्ट बच्चों वन सेवन एट, सर वन सेवेंथ डाउन, एट सेवन किधर है सर डिवीजन के साथ सर वन और एट नंबर जी। सर इनफाइनाइट अक्रॉस वन अब इनफाइनाइट में क्रॉस वन में क्या आएगा सर इनफाइनाइट, क्रॉस वन? इनफाइनाइट नेक्स्ट टू एसोसिएटिव, टू एसोसिएटिव, थ्री मल्टीप्लिकेशन, थ्री मल्टीप्लिकेशन, नेक्स्ट फोर, फोर बेटा फोर हमने किया नहीं बेटा, फोर्थ में क्या हिंट क्या गिवन है उसका? सर ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो आर नोन एज डैश नंबर्स। नंबर्स बच्चे बोला था मैंने, ये नेचुरल तो बोला था मैंने, ये तो नेक्स्ट सर नहीं आ रहा नेचुरल, सर नेचुरल नहीं आएगा, आ जाएगा बेटा देख लेते हैं हम। सर वहां पे नॉट डिफाइंड है ना नीचे उसके फोर्थ डाउन वाले में, जी कहां सर फोर्थ सर जहाँ पे आपने आर लिखा है फोर्थ डाउन वाले पे वहां पे नॉट डिफाइंड है तो फिर वहां पे नेचुरल नहीं आ रहा। अच्छा ओके चेक कर लेते हैं बेटा। और फोर्थ वाले का जो हमने फोर्थ डाउन लिखा उसका हिंट क्या था बताना जरा। सर फोर्थ डाउन का सिंस वन ओवर जीरो डज नॉट एक्सिस्ट हेंस जीरो हैज नो डैश। नो डैश, ओके आगे बढ़िए जी, जरा नेचुरल देखते हैं बाकी देख लेते हैं उसके बाद। यहाँ पे कैसे आएगा?
अक्रॉस फाइव में बोलिए बेटा, सर नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड। हिंट क्या है यहाँ पे? सर, फिफ्थ सर, फिफ्थ किया है मेरी फिफ्थ में किया नहीं है? फिफ्थ सर, किया नहीं बच्चे? फिफ्थ में किया लो नहीं? फिफ्थ का हिंट बताइए जरा। सर, फॉर एनी रैशनल ए प्लस जीरो इज डैश। हाँ जी, सर फॉर एनी रैशनल ए प्लस जीरो इज डैश। ए प्लस जीरो नहीं है बेटा, डिवाइड है, ये सर प्लस है डिवाइड है बच्चे, यहाँ पे ये डिवीजन है, डिवीजन का साइन है ये सर, जी प्लस है सर, बच्चे, देखिए जरा प्लस है सर, यस डिवीजन। डिवीजन है। ओके सर, यस ए डिवाइड बाय जीरो इज डैश। ठीक है, तो अभी कौन सा बचा है यहाँ पे हमारा? हो गया सारा या कोई बचा है सर बेटा? फोर्थ की भी फिफ्थ का फिर नॉट डिफाइंड आ नहीं रहा फोर्थ की वजह से, की वैसे फिफ्थ का क्या है यहाँ पे? फिफ्थ अक्रॉस नहीं आ रहा और एनी रैशनल नंबर ए, ए डिवाइड बाय जीरो इज डज नॉट एग्जिस्ट, सॉरी डज डिफाइंड नॉट एग्जिस्ट। सर, सर डज नॉट एग्जिस्ट भी नहीं आ रहा आ रहा नहीं, कितने लेटर्स हैं बेटा? सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10। डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं, नॉट डिफाइन के कितने लेटर्स बन रहे हैं? नॉट सही है डिफाइन बन रहा है बच्चे, 10 लेटर बन रहे हैं। प्लीज रिपीट। हाँ जी, नॉट डिफाइन आ रहा है यहाँ पे, और कुछ हो नहीं सकता इसमें। सर नॉट डिफाइंड नहीं आ रहा नॉट डिफाइंड के अलावा कुछ और हो नहीं सकता बच्चे यहाँ पे, किसी और, फिर किसी और हिंट के अंदर हमने कुछ डिफरेंट लेटर होगा कोई। देखिए जो जो, रिप्रेजेंटेड देखिए बेटा अब मुझे बताइए का कहाँ कहाँ, फोर्थ हमारा गलत है, वहां पे कुछ और आएगा डाउन के फोर्थ पे। कहाँ पे, कहाँ सर डाउन के फोर्थ पे पे हम बोल रहे थे ना नॉट डिफाइंड। सर, यस यहाँ पे नॉट डिफाइंड नहीं है, फोर्थ के फोर्थ का डाउन गलत फोर्थ का डाउन क्या है बेटा? सर। डैट सिंस 1/0 डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस 0 हैज नो डैश एंड यू हैव मेक अस रिटन नॉट डिफाइंड। जीरो, जीरो डज नॉट हैव, रेसिप्रोकल आ रहा है बेटा, सर रेसिप्रोकल फिट बैठ रहा है, सर यस सारा रेसिप्रोकल से सारे ठीक बैठ रहे हैं बेटा, सर यस ये आ रहा है रेसिप्रोकल आ जाएगा क्योंकि जीरो डज नॉट हैव रेसिप्रोकल, राइट? सर यस, उसके साथ नेचुरल भी आ जाएगा फिर। क्या सारा फिट हो गया बेटा? एनी डाउट नाउ? सर नो चलो राइट नाउ, अब वी आर डन विद दिस, कोई और डाउट इसमें? राइट सर नो डन बच्चों, चलिए हम आगे चलते हैं बेटा। अब हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक ओनली, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपके पास असाइनमेंट है सबके पास ये? फर्स्ट सर यस सर यस क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप लोग बेटा? विल यू ट्राई फर्स्ट क्वेश्चन? मम्मी मुझे दी सर, सब स्टूडेंट्स ऑफ अवर क्लास आर नॉट हैविंग दिस वर्कशीट You don't have this worksheet. सर, वी आर सम आर हैविंग सम आर नॉट हैविंग। अच्छा, those who don't have the worksheet, please raise your hand. Teacher, they have not got this worksheets. Teachers, can I have your attention, please? सर मिल किस किस को नहीं मिली बेटा, प्लीज बताइए, raise your hand जिनको नहीं मिली, सबको मिल गई है जी। चलिए, सो प्लीज ट्राई द फर्स्ट क्वेश्चन। इफ 24 ट्राउजर्स ऑफ इक्वल साइज कैन बी प्रिपेयर्ड इन 54 मीटर ऑफ क्लोथ, व्हाट लेंथ ऑफ क्लोथ इज रिक्वायर्ड फॉर इच ट्राउजर? बेटा देखिए, क्वेश्चन करने से पहले आई हैव सम क्वेश्चन टू यू। सर आपके 24 ट्राउजर्स जो है
that are made by 54 meter of clothes. Now what you will do to find out length of each trouser? Beta, which method you will apply or which operation you will apply? Divide. Divide. और इस method को क्या बोलते हैं बेटा? Have you done unitary method? Unitary method. अच्छा unitary method क्या होता है? Suppose आप banana लेने गए. It costs 60 rupees per dozen. Right? If you have to buy 4 bananas, how will you calculate its cost? How will you calculate its cost? Dividing 4 by 60. Just a moment, ये किसने बोला 4 by 60? Sir, by dividing. अच्छा, 60 rupees के 12 bananas हैं. So will you find the cost of one banana first? Sir, yes. ठीक है, फिर जो वन की कॉस्ट आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फोर से. तो सेम थिंग हियर बेटा, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द क्लोथ रिक्वायर्ड टू मेक वन ट्राउजर. सो व्हाट यू हैव टू डिवाइड 54 by 24. व्हाट विल बी द राइट चॉइस सर? 9 by 4. करेंगे तो 9 by 4 इज द राइट चॉइस. ओके बच्चों, यस. नाउ टू द सेकंड क्वेश्चन. द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -28/81. इफ वन ऑफ देम इज 14/27, फाइंड द अदर वन. राइट बच्चों, हाउ टू डू दिस? सर, बाय टेकिंग द अदर नंबर एज एक्स. अदर नंबर एज एक्स. So what you have to do, right? Product of two rational number is this. One is this. So one number 14/27 multiplied by x is equal to -28/81. Can you solve it now? Sir, yes. Please do it and answer. वो बच्चा करेगा जिसको मैं पूछूंगा. I'll call you by name or roll number. You please do it. किसी की भी लाठी लग सकती है जी. How many students are there in section A and B? Sir, 35. And section B? Right. चलिए फटाफट से कीजिए, then I'll ask the questions. Yes, row number 23, section A. Row number 23, section A. आ जाइए बेटा आगे. अपनी नोटबुक लेके आना. जो भी बच्चा माइक के पास आ रहा है, प्लीज ब्रिंग योर नोटबुक्स, क्योंकि मैंने चेक भी करना है कैमरा पे कि आपने किया या नहीं किया. जो लोग कर नहीं रहे हैं ना, सबसे पहले उनको ही बुलाना, बैक बेंचर्स. हाँ जी बेटा, हैव यू डन? नो. आई नो बेटा, थोड़ा सा कैमरा ठीक कीजिए ताकि मुझे नजर आए आप. टीचर प्लीज हेल्प हिम आउट. हाँ जी बच्चे, क्यों नहीं किया अभी तक आपने? बेटा आपने क्वेश्चन नहीं किया एंड स्टिल यू आर लाफिंग. आता नहीं है बेटा, मैंने आपको देखी करके सॉल्व करके बताया है. इसको सॉल्व करना नहीं आता आपको? कर रहे हैं अभी सर. तो कर रहे हैं बेटा, आप दो चीजें बोल रहे हैं, या तो कह रहे आता नहीं है और अभी कह रहे कर रहे हैं. सो आता नहीं है या कर रहे हैं? आता है, कर रहे हैं. अच्छा कीजिए, फटाफट कीजिए, यही पे खड़े होके कीजिए जरा. हाँ जी, इन द मीन टाइम रो नंबर 24 फ्रॉम सेक्शन डी आ जाओ जरा. ओके, 24 फ्रॉम सेक्शन बी आ जाओ बेटा आगे. सेक्शन बी डन.
जी बेटा हैव यू डन? यस आंसर नहीं मैंने पूछना, आंसर तो बाद में बताई देना, कैसे सॉल्व किया इसको बताइए जरा। फर्स्ट वी विल टेक 14/27 इन द राइट साइड हियर इट इज मल्टीप्लाई देन ऑन दैट साइड इट विल डिवाइड एंड देन वी हैव टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ इट टू मेक इट मल्टीप्लाई एंड देन वी हैव टू डू कटिंग यस सो व्हाट यू हैव टू प्लीज सिट डाउन बेटा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यू विल टेक 27 इन द न्यूमरेटर एंड 14 इन द डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर राइट साइड। इज इट क्लियर? सो व्हाट इट बिकम्स? सो वैल्यू ऑफ एक्स विल बी -28 अपॉन 81 इनटू 27 अपॉन 14। चलिए 14 आप आ जाइए आगे बच्चा। रोल नंबर 19 सेक्शन बी। 19 सेक्शन बी जल्दी से आते जाओ बेटा, इतना टाइम नहीं है, प्लीज मेक इट फास्ट। हाँ जी बच्चे, इसके बाद क्या किया आपने? हैव यू डन इट? नो व्हाट यू आर डूइंग सर अभी कर रहे थे अभी? कहाँ तक मैम? इनकी जरा नोटबुक चेक करेंगे आप जरा, इन्होंने क्या किया अभी तक? नोटबुक हाँ जी मैम, हैज शी डन? नो शी हैज नॉट सर नो शी हैज नॉट डन नॉट डन। ओके रोल नंबर 27 सेक्शन ए। जल्दी से आ जाओ बच्चे। Is there someone? Roll number 27, section A. हाँ जी, शुभ उतार के बैठे हुए हैं। मैम सेक्शन ए में 27 रोल नंबर इज देयर और नॉट? यस कौन है बेटा? आ जाइए माइक पे, आ जाइए आगे आप। हाँ जी बेटा, कर लिया आपने सॉल्व आगे? कर रहे हैं इतना मुश्किल क्वेश्चन दे दिया मैंने कि 15-20 मिनट लगेंगे करने में। टीचर हैज ही डन इट और नॉट? रिस्पेक्टेड टीचर्स, कैन यू हियर मी? मैम सर हैज ही डन इट? ही इज डूइंग ओके प्लीज हेल्प हिम। देखो बेटा देखिए बेटे कैसे करना है, आप देखिए जरा। ये 14 है, 14 के टेबल में 28 आता है, तो दिस विल बी कैंसल्ड बाय 2। सिमिलरली दिस कैन बी कट बाय 3, 3 9 जर एंड दिस इज 27, अगेन 9 3 जर, सो इट विल बी लेफ्ट x इज इक्वल टू -2/3। सो व्हाट विल बी राइट आंसर? चॉइस सी राइट बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/4 -2/3 टू गेट -1/6? पहले तो क्वेश्चन अंडरस्टैंड कीजिए। देखिए बच्चों, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए, सबसे पहले तो आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है। जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है उसको एक्स एज्यूम करना है। लेट द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज एक्स। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट फॉर्म द इक्वेशन। नाउ व्हाट इज द स्टेटमेंट? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट समथिंग राइट टू गेट। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस स्टेटमेंट, दिस इक्वेशन, राइट बच्चों? यस और नो? ठीक है, सॉल्व कीजिए जल्दी से इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व दिस ब्रैकेट, राइट? प्लीज सॉल्व दिस ब्रैकेट।
ये तो ऑप्शन नहीं मिल रहा। ऑप्शन नहीं है, चेक कर लेते हैं बेटा। पहले आपने इसको सॉल्व किया तो सर ये ऑप्शन ही नहीं है मैं नहीं, चेक कर लेते हैं बेटा, ऑप्शन है। ठीक है सर, हमारा आंसर 1 over 12 आ रहा है, बट ये ऑप्शन नहीं है। यस नेक्स्ट नेक्स्ट यस नो, विल यू गिव मी 1 मिनट। देखिए आपने सबसे पहले एलसीएम लिया, एलसीएम माइनस -8 एक्स -1/6 1/12 माइनस एक्स इक्वल टू, -1/6 इसको फर्दर सॉल्व किया जी, माइनस एक्स आप 1/12 को दूसरी तरफ ले गए, फिर सर -1/6 -1/12 ये कितना आ गया बेटा, सर 1/6 +1/12 -6 प्लस कैसे हो रहा है बेटा, हाउ इट विल बी प्लस, -1/6 वो भी नहीं माइनस, दोनों ही माइनस है, बट मल्टीप्लाई थोड़े हो रहे हैं बेटा जो प्लस हो जाएगा। एक्सक्यूज मी हेलो सर, कैन यू प्लीज चेंज योर स्केच कलर सर, रेड कलर इज नॉट विजिबल टू राइट 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 मैम। सर आंसर आ गया, मैं कर देता हूं मैं द्वारा से। मैम नाउ हाँ जी मैम, देखिए जरा बच्चों आप क्लियर है, 3/4 -2/3 -x=, आपने जब इसको सॉल्व किया था तो माइनस 1/12 1/12 आया था बेटा, -x=-1/6। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताइए, इज इट विजिबल नाउ? नो अच्छा जस्ट अ मोमेंट, ये वाला पार्ट तो विजिबल है, अभी तो विजिबल है ये मेरे। हाँ जी बच्चों देखिए बेटा, थ्री बाय टू आप विजिबल है, थ्री बच्चों यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, आपने जो इस ब्रैकेट एलसीएम आ गया आपका 12, 9 -8 माइनस एक्स इक्वल टू 1/6 9/9 -8 तो दिस ब्रैकेट, यहां तक बच्चों कोई डाउट? सर नो अब देखिए क्या करना है आपने, यहाँ पे आपके पास माइनस एक्स बचा, -1/6 आप 1/12 को ट्रांसपोजिशन करोगे, राइट साइड लेके आओगे, उसका साइन चेंज हो जाएगा, इट इज प्लस, इट विल बिकम माइनस राइट बच्चों, सही है सर, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं जी, ठीक है, इसको जब सॉल्व किया को जब सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आया था माइनस, 1/4 1 मिनट बचा, 1 मिनट ये आ गया, ठीक है, इसके बाद हमने एलसीएम लिया तो 12 एलसीएम आ गया बच्चों, तो हियर इट विल बी 12/6=2, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 -1, ठीक है बच्चों, नाउ -x=-3/12, माइनस माइनस कैंसिल दोनों तरफ से,
थ्री वन जा थ्री, वन बाय फोर इज देयर, यस और नो? यस। ऑप्शन नहीं है, कौन बच्चा कह रहा था ऑप्शन नहीं है? बेटा कहीं कैलकुलेशन में आपने मिस्टेक की होगी, जिन लोगों को डाउट है प्लीज यू कैन आस्क द डाउट अगेन। बेटा बोलिए आप सेक्शन ए में, आप रेड टी शर्ट स्टूडेंट फ्रंट बेंच, यू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम मी व्हाट एवर यू वांट टू आस्क, बोलो बेटा माइक पे आके बोलिए। टीचर व्हाट आर देयर डाउट्स प्लीज टेल मी, टीचर इन सेक्शन ए व्हाट आर देयर डाउट्स? सर नो डाउट, नो डाउट, ठीक है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा, द कॉस्ट ऑफ 7 3/2 मीटर्स ऑफ रोप इज रुपीज 12 3/4, फाइंड द कॉस्ट पर मीटर। अगेन फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह आ गया बेटा ये, प्लीज ट्राई दिस। हाँ जी बच्चों, द कॉस्ट ऑफ 7 3/2 मीटर्स ऑफ रोप इज रुपीज 12 3/4, फाइंड इट्स कॉस्ट पर मीटर। अगेन यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं आप, 7 3/2 की जो कॉस्ट है दैट इज दिस मच, इस नंबर को डिवाइड करना है आपको इस नंबर से जी। पहले दोनों को मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आइए जी, ठीक है। इसको जब सॉल्व किया तो दिस विल बिकम 7 to the 14 plus 3, 17/2, एंड दिस विल बिकम, ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों? सर आंसर आ गया, आ गया सर सी। चेक कर लेता हूँ बेटा मैं, 51/4 डिवाइड बाय 17/2, और ये बन जाएगा 51/4 मल्टीप्लाइड बाय 17 3 3/2 रुपीज पर मीटर। तो आंसर विल बी सी चॉइस, 3/2 को आप कन्वर्ट करेंगे तो इट विल कम 1/2। बच्चों एनीथिंग नॉट क्लियर? सर नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई टेल हाउ टू सॉल्व दिस सम, व्हिच वन सर? फिफ्थ। सर डन, हमने कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं आता आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस राइट। अगेन व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू गेट, सेम टाइप का क्वेश्चन है बेटा, लेट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट एक्स टू गेट पाई बाय, सेम क्वेश्चन आ गया बेटा। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, व्हेन यू मूव -5/3 टू द राइट साइड तो दिस माइनस साइन विल बिकम प्लस राइट, सो माइनस एक्स दिस माइनस विल बिकम प्लस, ठीक है बच्चों, सो दिस माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया एलसीएम विल बी 6, सो दिस कम्स आउट टू बी 15/6, 3 2s are, so ये बच्चे 5/2 आ गया, सर माइनस, एक्सक्यूज मी सर, सर आई हैव अ डाउट, सर इन दिस सम लाइक इक्वेशन इज फ्रॉम दैट -5/3 माइनस एक्स इक्वल्स टू 5/6 सर, लाइक एज इन यू हैव सॉल्व इन दिस मेथड दैट यू हैव ट्रांसपोज -5/3 टू दैट साइड, बट आप इसको माइनस एक्स को लेके जाना चाहते हो उस तरफ, ये दिस इज योर क्वेश्चन,
Sir, no, I am saying, what if we are at taking LCM first and then solving? Means Sir. you want to take LCM first on the left side? Sir, yes. Sir, I have taken. You can do it, but that will make it difficult. Sir, by doing this way, my answer is coming 3 over 2 and I have minus 3 over 2 and my teacher has also checked. She said that it is right. Sir, 5 over 2 aega. Minus 5 over 2. 5 over 2 aa raha hai bachche, minus 5 over 2 is the correct choice. Main dono method se check kara deta hu. No confusion. Okay, sir. Note kijiye beta. Theek hai? Main dusre method se bhi check kara deta hu, theek hai? Understood? Dekhiye bachcho. Maine na transport kar diya hai. Maine 3 aur 6 ko saath mein cut kar diya tha. Haan ji. अब देखिए आपने जो मेथड लगाया है हम वही मेथड लगा देते हैं. मेथड क्या लगाया है आपने? एलसीएम ले लिया बेटा. जब आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम विल बी 3 माइनस 5 माइनस 3x इक्वल टू 5/6. राइट और नॉट? सर यस. इसके बाद आपने क्या किया? Cross multiplication. So this become minus 13 minus 18x equals to 15. So minus 18x equal to 15 minus plus 13. So what you got? Minus 18x equals to 45. X will be equal to 5. 9 2 बेटा ये सेम ही आ रहा है मेरा तो आंसर. दोनों मेथड से सेम आ रहा है बेटा. सर एक्चुअली ना वेयर यू हैव डन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आई हैव कट 6 एंड 3 देयर. नहीं आपने 6 को 3 कौन से आपने ये दोनों कट कर दिए? वो भी हो सकते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सर मेरा ऐसे कट करके 5/2 आ रहा था आंसर. माइनस 5/2 आएगा बेटा. सर यस. ओके सर. एनीथिंग नॉट क्लियर? फिर माइनस 10 माइनस. हाँ जी बच्चों लास्ट क्वेश्चन इज लेफ्ट. सर डन 6th क्वेश्चन हो गया. बच्चों बताइए क्या आंसर आया इसका? डी ऑप्शन. नंबर शुड बी एडेड टू -5/7 टू गेट सी. आई है सर 1/21 इज आंसर. सर सी ऑप्शन आई है 1/21. कर लेता हूं मैं बेटा. क्या ऐड करें इसमें? एक्स ऐड कर दिया जी. -2/3. एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? सर डी ऑप्शन. चेक कर लूं बेटा एक मिनट में. -14 + 15 1/21 आंसर आ रहा है जी. ये ऑप्शन जिनकी आ रही है वो करेक्ट है जी. ठीक है बच्चों सर अभी नोट करना है. कर लो बच्चे कर लो. डन बच्चों? यस स्टूडेंट्स डन और नॉट? चलिए बच्चों विल फिनिश आवर क्लास हियर ओनली. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. Bye bye all students and to the teacher also. Thank you teachers. Thank you sir. Bye sir. Bye, sir. Thank you sir. Bye sir. Bye sir.